नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज सीखेंगे कि डार्क वेब क्या है, इसे इंटरनेट की काली दुनिया क्यों कही जाती है। जिस इंटरनेट को हम जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वह संपूर्ण वेब का सिर्फ 4% हिस्सा है, बाकी का 96% हिस्सा पूरी तरह से छुपा हुआ है। इसे हम डार्क वेब या डार्क नेट के नाम से जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वह काली दुनिया है जहाँ दुनिया भर के गैर कानूनी काम होते हैं, लेकिन यह डार्क वेब का पूरा सच नहीं है। असल में यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा भयावह है और रसमयी है। अगर आप डार्क वेब और डीप वेब के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि डीप वेब और डार्क वेब क्या है। जब भी हम डीप वेब का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि डीप वेब क्या है, इसे कैसे यूज किया जाता है और यहाँ क्या क्या होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ज्यादातर हम डार्क वेब के बारे में जानना शुरू करते हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है और कभी खत्म नहीं होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि डीप वेब की दुनिया है ही इसी रहस्यमयी की। इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आज भी डीप वेब के बारे में हमारी जानकारी ना के बराबर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डीप वेब क्या है, तो पहले आपको वर्ल्ड वाइड वेब WWW के बारे में समझना होगा। वर्ल्ड वाइड वेब दरअसल एक विश्व स्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी सूचनाओं का भंडार है, जहां दुनिया भर की इंफॉर्मेशन URL के रूप में मौजूद है। यूं समझ लीजिए कि आप दिन भर इंटरनेट की मदद से जो कुछ एक्सेस करते हैं, यह सारी जानकारी वर्ल्ड वाइड वेब में मौजूद होती है। यहाँ तक कि आप यह वीडियो जो देख रहे हैं, वो भी वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद है। वर्ल्ड वाइड वेब मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, पहला सरफेस वेब और दूसरा डीप वेब। लेकिन डीप वेब एक अंधकारमय हिस्सा ऐसा भी है जो बेहद रसमयी है। इसी रसमयी हिस्से को हम डीप वेब या डार्क वेब या फिर ब्लैक वेब के नाम से जानते हैं। अगर बात करें सरफेस वेब की, तो वर्ल्ड वाइड वेब की सबसे ऊपरी परत है जो संपूर्ण वेब का मात्र 4% हिस्सा है। सरफेस वेब में मौजूद जानकारी को सर्च इंजन द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है, साथ ही गूगल क्रोम जैसे किसी भी नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी करोड़ों वेबसाइट इसी सरफेस वेब में मौजूद है। अगर आसान भाषा में कहूँ, तो जो जानकारी हमें गूगल पर मिलती है, वह सब सरफेस वेब में मौजूद होता है। लेकिन सरफेस वेब संपूर्ण वेब का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। दरअसल में वेब का 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है, लेकिन जिसे ना तो सर्च इंजन द्वारा खोजा जा सकता है और ना ही गूगल क्रोम जैसे किसी नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है, जिसे हम डीप वेब के नाम से जानते हैं। और इसे एक्सेस करने के लिए विशेष कॉन्फ़िगरेशन और टूल की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ टूल ही काफी नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। डीप वेब का ज्यादातर हिस्सा लीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सब्सक्रिप्शन वेबसाइट और पासवर्ड प्रोटेक्शन डाटा, सरकारी दस्तावेज, सुरक्षा एवं वित्तीय विभाग के गोपनीय दस्तावेज, सुरक्षा एजेंसी के दस्तावेज, बैंकों के फाइनेंशियल डिटेल्स, मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर्स, अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े दस्तावेज और इसी तरह के अन्य सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे महत्वपूर्ण डाटा को डीप वेब में क्यों रखा जाता है, तो इसकी एक खास वजह है। दरअसल डीप वेब में यूजर की आइडेंटिटी को, ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं किया जा सकता। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता है, यानी कि आप पूरी तरह से गुमनाम रहते हैं। इसलिए यहां गजब की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिल जाती है। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें और एजेंसियां अपने
सीक्रेट डॉक्यूमेंट को डीप वेब में रखती है। आपको बता दूं कि डीप वेब को एक्सेस करना इनलीगल गैर कानूनी नहीं है। यह डीप वेब का ही एक अंधेरा कोना है जहां दुनिया भर के इनलीगल काम होते हैं। डीप वेब के इसी हिस्से को डार्क वेब और ब्लैक डीप वेब के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज ऑन द डार्क वेब? आमतौर पर यह ड्रग्स, अवैध हथियार, चोरी का सामान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स, लाइव मर्डर, मानव अंगों की तस्करी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे घिनौने काम होते हैं। इसलिए इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से जाना जाता है। यह इंटरनेट की सबसे खतरनाक जगह है और इसे एक्सेस करना इनलीगल यानी कि गैर कानूनी है।